बालों को तेजी से लंबा और घना करने का इससे आसान उपाय कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। सही पोषण की कमी, तनाव, हार्मोन्स या सिर्फ आपकी बालों के प्रति लापरवाही भी इसका कारण हो सकती है। लेकिन अगर आप बालों की देखभाल करने को तैयार हैं तो हम आपको बताते हैं कुछ तरीके जो आपको देंगे लंबे, घने और स्वस्थ बाल। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत बाल हर किसी के व्यक्तित्व में चार चार लगाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बाल बढ़ते ही नहीं या फिर बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं। छोटे बाल लंबे करने के लिए हम कई उपाय करते हैं। कभी बालों में तेल लगाकर चोटी गूंथते हैं, तो कभी पार्लर के महंगे महंगे पैकेज पर जेब खाली कर देते हैं। महिलाओं में बालों को लंबा करने का बहुत चलन है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर की महिलाएं बाल बढ़ाने के उपाय आजमाती रहती हैं। कुछ लड़कियां बाल बढ़ाने के उपाय आजमाती हैं, लेकिन क्या आपको तेजी से बाल बढ़ाने का तरीका पता है? कुछ महिलाएं तो कहती हैं कि उनके पास बाल बढ़ाने की अचूक विधि है। आपने कभी सोचा वो कौन सा तरीका है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपने बालों को बहुत ही तेजी से लंबा और घना कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, सेब। जी हाँ दोस्तों, सेब के सिरके से बाल धोना सबसे अधिक आसान और मशहूर तरीका है, और इससे आपको लंबे बाल मिलते हैं। इसके लिए आपको शैम्पू से बाल धोने के बाद अपने बालों को अच्छे से सेब के सिरके से धोने की जरूरत है, और ये आपके लिए एक अच्छे कंडीशनर का भी काम करेगा, साथ ही आपकी स्कैल्प को भी स्वस्थ रखेगा। इसके लिए सेब के सिरके में पानी मिलाकर इसे डिल्यूट कर लें। एक बार शैम्पू से बाल धो लेने के बाद अपने स्कैल्प को साफ करें और बालों को फिर से सेब के सिरके से धोएं, और बाद में अपने बालों को अच्छे से पानी से धो लें। नंबर दो, आंवला। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप 2 चम्मच आंवला पाउडर या आंवला रस को नारियल के तेल में मिलाकर बालों की जड़ों में मालिश करें और 1 घंटे बाद बालों को धो लें। आंवले के फायदे हेल्थ के साथ साथ बालों के लिए भी फायदेमंद है। आंवला बालों को लंबा मजबूत बनाने में मदद तो करता ही है, साथ ही यह बालों के सफेद होने की समस्या को भी कम करता है और बालों के विकास में भी सहायक होता है। आंवला का उपयोग सदियों से एक औषधि के रूप में हेल्थ और बालों के लिए किया जाता आ रहा है। तो इस तरह से बाल बढ़ाने के उपाय में आंवला एक सस्ता और घरेलू उपचार साबित हो सकता है। नंबर 3, लेवेंडर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, जिनके बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं उनके लिए लेवेंडर ऑयल बहुत ही फायदेमंद होता है। सर्दियों के मौसम में लेवेंडर ऑयल को शैम्पू पर लगाने से बालों का बढ़ना तेज हो जाता है। बालों को धोने से पहले शैम्पू में लेवेंडर ऑयल की सिर्फ 4 से 5 बूंदे ही काफी होती है। नंबर 4, अंडा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बाल लंबे करने की विधि खोज रहे हैं तो आपके लिए अंडा एक अच्छा उपाय हो सकता है। अंडे के अंदर ऐसे गुण जो आपके बालों की ग्रोथ में सहायक हो सकते हैं। इसके लिए बस आपको कच्चे अंडे का तरल पदार्थ फेंट कर बालों में लगाना है, इसके कुछ देर बाद शैम्पू करना है, इससे आपके बालों की ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। नंबर 5, नींबू। जी हाँ दोस्तों, बालों की देखभाल के लिए नींबू का उपयोग सबसे अच्छा होता है। फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ की समस्या को दूर करने में लाभदायक होता है। बालों की ठीक से सफाई करने के लिए शैम्पू में नींबू का रस मिलाकर लगाना चाहिए। बालों को बढ़ाने के लिए शैम्पू में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर लगाना फायदेमंद होता है।